क्लास से हमारा 20वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने हिस्सा नज़्म से मौलाना इसराफ़ी तन्हाली की नज़्म पढ़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आज हम हिस्सा नज़्म पढ़ेंगे। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो हैं वो इसी तरह उनके कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कब वफात हुई, इस तरह के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तारुफ पढ़ते हैं। कस्बा बंदोल, जिला आजमगढ़, भारत में 1857 में पैदा हुए। इसको अंडरलाइन कर लें। इनके वालिद शेख हबीबुल्ला वकील थे। वालिद का नाम था शेख हबीबुल्ला, ये भी अंडरलाइन करें। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। वहां इन्हें सर सैयद हाली मोहसिन मुल्क और आयरलैंड की सोबत से मुस्तफीद होने का मौका मिला। मुस्तफीद होना, फायदा उठाना। 1892 में आयरलैंड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात यानी 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आजमगढ़ चले गए, फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मारिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान में इनकी कोशिशों से लखनऊ में निदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। इसको भी अंडरलाइन कर लें। अखीर उम्र में आजमगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफीन कायम किया जो आज भी काम कर रहा है। इदारे का नाम जो है दारुल मुसन्निफीन, इसको भी अंडरलाइन करें, ये भी पूछा जा सकता है। शिबली शायर भी थे लेकिन इनकी शोहरत का मदार ज्यादातर उनकी नस्ल पर है। उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने अगरचे मुतनव मौजूआत यानी मुख्तलिफ मौजूआत मसलन तारीख, तनकीद, सवाने, सीरत, तस्करा, अदब, मुआशरत, अकायद, तसव्वुफ और सियासत पर कलम उठाया, मगर इनकी तर्ज इजहार में अदबियत की शान मौजूद है। जोश बयान, एजाज इख्तिसार, रवानी और बरजस्तगी, मुहक्किकाना अंदाज, गनाइयत और शहरियत इनके असलूब बयान की नुमाया खसूसियात हैं। शिबली की तमाम अदबी काविशों से कत नजर इनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा इनका अंदाज़े बयान है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ हैं, मुतअद्दिद बहुत सारी तादाद में। अहम तसानीफ में शेरुल अजम जिसकी 5 जिल्दें हैं, अलफारूक, अलमामून, सीरतुल नौमान, अलगज़ाली, सवानह मौलाना रूम, सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शामिल हैं। ठीक है जी, ये इनका तारुफ हो गया। इनमें से जो आखिरी किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, ये इन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में इसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे, बल्कि फिर इनके बाद इनके मरने के बाद इनके शागिर्द सैयद सलमान नदवी ने जो है वो इसे फिर मुकम्मल किया था। तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से इनका तारुफ याद करना है। सबक जो मौजूद है मौलाना शिबली नोमानी का, उसका नाम है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हिजरत का लफ्ज़ आप पहले भी सुन चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिजरत जो उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ की थी, इसको हिजरत नबी कहते हैं। इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा बताया गया है ये किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त लोग जो हैं उन्होंने तकालीफ उठाई, और किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की।
उस वक्त जबकि दावते हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी। दावते हक, सच्चाई की दावत जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दे रहे थे। तलवार की झनकारें यानी लोग जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली थी और वो जो हैं आपसे जंग के लिए तैयार थे। हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतजर था। अच्छा जी, आपने जो जुमात हशतम तक तशरी आप लोग करते रहे हो तो आप जो है सिर्फ चैप्टर का नाम लिखते थे, सबक का नाम लिखते थे, लेकिन जैसा कि अभी आपसे नज़म में भी मैंने बताया था कि आप शायर का नाम भी लिखोगे, तो जब आपके आपको पैराग्राफ की सलीस या इबारत की सलीस तशरी करनी होगी तो आपने ना सिर्फ सबक का नाम लिखेंगे बल्कि उसको लिखने वाले यानी उस मुसन्निफ का उसका जो है वो भी नाम लिखेंगे आप। जैसे सबक का नाम हिजरत नबी और मुसन्निफ का नाम मौलाना शिबली नुमानी और उसके बाद आप तशरी इबारत जो है वो लिखेंगे। तो ये पहला जो ये तीन चार लाइन दो तीन लाइनें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी भी आप लोगों ने फिर कॉपियों पे तशरीह करनी है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया, जब उन्होंने दावत हक दी लोगों को, तो मक्का के लोग जो हैं वो आपके दुश्मन हो गए और वो आपके खिलाफ तलवारें लेकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम जो है नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर देंगे। और उस वक्त वो जितने जो जो मुसलमान होता जाता उसको तकालीफ जो है वो पहुंचाते थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालात देखे, 13 बरस तक आप वहाँ पे मक्का में तबलीग करते रहे, लेकिन जब आपने देखा हाफिज आलम दुनिया की हिफाजत हाफिज हिफाजत करने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किए गए हैं कि उस वक्त जो है उन्होंने मुसलमानों को फिर हुक्म दिया कि वो दारुल अमान मदीना चले जाएं। दारुल अमान अमन की जगह, अमन का घर, क्योंकि उस वक्त मदीना में बिल्कुल अमन था, वहाँ पे मुसलमान जो है वो आसानी से बगैर किसी लड़ाई झगड़े के या बगैर किसी तकलीफ के रह सकते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म दिया कि वो मदीना की तरफ चले जाएं, लेकिन खुद वजूद अक्दस पाक जात की खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मक्का में रुके रहे और वो इस इंतज़ार में थे जो अच्छा खुद वजूद अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ थे, हदफ निशाना सितमगार जुल्म करने वाले अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतजर था, यानी खुद जो है वो रुके रहे मक्का में और उन्होंने हुक्म दिया मुसलमानों को कि आप लोग जो है मक्का से मदीना चले जाओ, जबकि आप जानते थे कि ये जो मक्का के जो जालिम लोग हैं या जो कुफार हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनका असल निशाना थे। यानी वो तो ये चाहते थे कि सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई जाए और उनकी कोशिश थी कि उनकी ज़ात को जो है नाऊज़ु बिल्लाह ख़त्म कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी मक्का में रुके रहे और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिजरत का हुक्म होता है, क्योंकि आपका अल्लाह ताला ने भी हुक्म नहीं दिया था कि आप हिजरत करें। नबुव्वत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक यानी अल्लाह ताला की तरफ से आपको भी नबुवत के 13वें साल जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का आज़म फरमाया कि फिर वही आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपको भी हुक्म दे दिया गया कि अब आप जो है मदीना चले जाएं। आज़म फरमाया, इरादा किया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है, चुनाचे लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव बांध
कि हाथ पांव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जलावतन कर देना काफी है। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से इनका खात्मा कर दे। इस सूरत में इनका खून तमाम कबाइल में बट जाएगा और अहले हाशिम के लिए अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। अच्छा जी, जब कुफारे मक्का को जब पता चला, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मक्का से रुखसत हो रहे हैं, मक्का से जा रहे हैं मदीने की तरफ, और वहाँ जाकर वो मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि मदीना जो है वो अमन की जगह थी। मदीना में मुसलमान जो मुसलमान मक्का से वहाँ जा रहे थे वो अमन के साथ रह रहे थे और वहाँ पे वो इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। वहाँ पे मदीना में जो है बहुत से लोग मुसलमान हो रहे थे, यानी मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो रही थी। तो जब कुफार मक्का ने यह देखा कि इस तरह तो मुसलमान जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि जाहिरी बात है जो कि इस्लाम की दावत कर रहे थे, जो कि पैगंबर अल्लाह ताला के पैगंबर थे, तो उन्होंने ये सोचा कि इनको ही मार डालते हैं और इनको ही कत्ल कर देते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो इस्लाम जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इसके लिए बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो बातें की या राय पेश की, और किसी ने कहा कि उनको जो है बंद कर दिया जाए, किसी ने कहा जलावतन कर देना, वतन से निकाल देना, यानी किसी ने कहा कि उनको मक्का से निकाल दिया जाए, उनको जो है मक्का उनका जो वतन है उससे बेदखल कर दिया जाए। लेकिन अबू जहल ने ये राय दी कि ऐसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हर कबीले से एक एक शख्स जो है वो मजमे की सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर देते हैं, कर देगा, और फिर जो है उनको ख़त्म कर देंगे, यानी उनको कत्ल कर डालेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम सब मिलकर नबी पाक पर हमला करेंगे और उनको कत्ल कर देंगे, तो उसका फ़ायदा अबू जहल ने जो बताया वो ये था कि इस तरह अहले हाशिम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम था, कि इस तरह फिर उनके लिए जब सब हम यानी सारे कबाइल एक तरफ होंगे, तो अहले हाशिम जो है वो अकेले तमाम कबाइल से बदला नहीं ले सकेगा, और इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके ख्याल में, अबू जहल के ख्याल में, कि हम उनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे। इस अखीर राय पर, अखीर आखिरी राय पर इत्तेफाक हो गया और झटपटे से आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया शाम से ही। ठीक है, आस्ताना मुबारक घर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक घर मुहासरा कर लिया, उसका घेराव कर लिया, कि वो शाम से ही जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर बैठ गए, और इस बात का यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका घेराव कर लिया, कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले घर से बाहर, तो उन पे जो है हमला कर देंगे और उनको मार डालेंगे। अहले अरब जनाना घर के अंदर घुसना मायूब समझते थे। अरब के लोग उस जमाने में उस घर में जाना, यानी अंदर घुसना, जबरदस्ती जाना मायूब बुरा समझते थे, जिस घर में औरतें होती थी, क्योंकि उनका ख्याल होता था कि औरतें जिस घर में मौजूद है तो वहाँ पे जबरदस्ती मर्द जो है वो नहीं जाते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि इसलिए बाहर ठहरे रहे कि आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो ये फ़र्ज अदा किया जाए, और उनका ये ख्याल था कि हम बाहर ही इंतज़ार कर लेते हैं, और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलेंगे तो उन पर हमला कर देंगे और उनको कत्ल कर देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, अदावत दुश्मनी, यानी इतनी दुश्मनी थी कि वो उनको कत्ल करने के दर पे थे, उनको कत्ल करना चाहते थे, ताहम लेकिन आपकी दयानत पर ये एतमाद था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रखता था। यानी अगरचे उनको दुश्मनी थी नबी पाक से, और उनको वो जो है वो कहते थे कि इसको हम कत्ल कर देंगे और इसको हम जो है नहीं रहने देंगे, लेकिन फिर भी उन सबको मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार हैं और आप हमेशा सच बोलते हैं, बल्कि आपको दावत, आपको जो है जब तक आप पैगंबर नहीं बने थे तब भी आपको वहाँ के लोग सादिक और अमीन कहते थे कि जी आपसे ज़्यादा सच्चा और आपसे ज़्यादा अमानतदार जो है कोई नहीं है। तो इसलिए वो अपनी तमाम माल असबाब, अगर उनको कोई ऐसी चीज़ होती थी कीमती जो वो रखना चाहते थे हिफाजत से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थीं। उस रात भी आपके पास कुरैश की अमानतें थी, जबकि वो खुद जो हैं वो उनको कत्ल करने के लिए बाहर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी बहुत सी अमानतें जो है नबी पाक के पास मौजूद थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की खबर पहले से खबर हो चुकी थी। ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला के नबी थे तो उनको पता चल चुका था कि कुरैश जो है वो इस इरादे से बाहर बैठे हुए हैं कि उनको जो है कत्ल कर दिया जाए। इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया, इस बिना पर इस वजह से। क्या कहा हज़रत अली से? मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अली को बता रहे हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दे दिया गया है और मैं हिजरत कर रहा हूँ। मैं आज मदीने रवाना हो जाऊँगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो। सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। अब देखिए, उस वक्त भी जबकि बाहर लोग जो हैं आपको कत्ल करने के इरादे से बैठे हैं और आपकी जान को ख़तरा है, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को इन कफ़ार की अमानतों का ख्याल था और उस वक्त भी वो अमानतें जो हैं वो ये चाह रहे थे कि हज़रत अली की उन्होंने सपुर्द की और उनको कहा कि तुम ये अमानतें ज़रूर उन लोगों तक पहुँचा देना कि जिसकी ये अमानत है, क्योंकि मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। यानी अमानतें वापस करने का काम किसको सौंपा गया था? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को। ये सख्त खतरे का वक्त का मौका था। जनाब अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आपके कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की जमीन है, लेकिन फतेह खैबर के लिए कत्लगाह फर्श गुल था। यानी हज़रत अली को भी पता चल चुका था कि कुरैश जो है वो आपको कत्ल के इरादे से बाहर बैठे हुए हैं और अगर मैं उनके पलंग पर लेट जाऊंगा तो हो सकता है कि वो लोग जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मुझे कत्ल कर दे। लेकिन जनाब अमीर जो है वो तैयार हो जाते हैं उस उनके पलंग पर लेटने के लिए और वो जो है कि वो ख़ुद इतने बहादुर थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो है वो उनके लिए या उनकी हर बात जो है वो मानने के उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। लिहाजा हज़रत अली ने बग़ैर किसी खौफ और ख़तरे के वो जो है वो उस बिस्तर पर लेट गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, यह मानते मैं वापस कर दूंगा। ये बहुत सख्त ख़तरे का वक्त था, यानी अपनी जान को ख़ुद जो है उन्होंने ख़तरे में डाल दिया था। बिस्तर ख्वाब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाब का बिस्तर था कत्लगाह की ज़मीन है। कत्लगाह यानी वो वहाँ पे उनको कत्ल किया जा सकता है। वो कत्लगाह वो जगह होती है जहाँ पे किसी को कत्ल किया जाए। लेकिन फ़ातह खैबर के लिए, फ़ातह खैबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब था क्योंकि उन्होंने खैबर का किला जो है वो फतह किया था, इसलिए उनको फ़ातह खैबर कहते थे। कत्लगाह फर्शे गुल था। फर्श गुल की ज़मीन, फूलों भरी ज़मीन। कि उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि मुझे इससे नुकसान हो सकता है, बल्कि आपने खुशी खुशी जो है इस अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को की बजा आवरी की और इस हुक्म को बजा लाए और बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के वो उस बिस्तर पर लेट गए और अल्लाह ताला के नबी जो हैं वो वहाँ से चल पड़ते हैं। कुफार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का घर का मुहासरा किया, घेराव किया हुआ था और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने इनको बेखबर कर दिया। अच्छा जी, अब इनका ये ख्याल था कुरैश का कि हम जो हैं हम तो यहाँ पे मतलब उनका उनकी हिफाजत उनके घेराव किए हुए हैं, उनको जो है घेरे हुए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से बच कर नहीं निकल सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया कि उन लोगों को बेखबर कर दिया, यानी उन पर नींद जो है वो गालिब आ गई और वो वहीं पर बैठे बैठे और खड़े खड़े जो है वो उनको एक तरह से सो गए और उनको नींद आ गई। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया, मक्का तू मुझको दुनिया तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले क़रारदाद बात हो चुकी थी कि यानी हज़रत अबू बकर को पहले ही नबी पाक ने बता दिया था कि तुम मेरे साथ मदीना जो है वो सफ़र करोगे और इस तरह हम कभी भी रवाना हो सकते हैं। दोनों साहब पहले जबल सोर की ग़ार में जाकर पोशीदा छुप गए। ये ग़ार आज भी मौजूद है और बोसा गाह खलाइक लोगों की चूमने की जगह, लोगों के लिए अकीदत की जगह। मक्का में आज भी जबल सोर जो है वो मौजूद है, लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जो है
नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, यानी अपनी अकीदत का इजहार करते हैं वहाँ जाके कि वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी, तो हमारे लिए बड़ी अकीदत की जगह है। तो वो कह रहे हैं कि वो कार अब भी मौजूद है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, शब को गार में साथ होते, सुबह सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम कुछ रात गए बकरियाँ चरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़िज़ा थी, लेकिन इब्न हशाम ने लिखा है, इब्न हशाम जो है ये भी मुअर्रिख़ था, तारीख दान, तारीख लिखने वाला, यानी कुछ कुछ लोग कहते हैं कि जी जब आप ख़ार में पोशीदा थे तो सिर्फ बकरियों का दूध जो है वो आप दोनों पी लेते थे, जो कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नौकर जो है, जो उनका ग़ुलाम था, वो बकरियाँ लात करीब ज़्यादा था ग़ार के, और उसका बकरियों का दूध धोकर जो है वो नबी पाक और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पिला पिला देता था, और यही सिर्फ इनका की ग़िज़ा थी। लेकिन एक जगह एक और तारीख लिखने वाला जो है वो ये कहता है कि रोज़ाना शाम को हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से खाना पकाकर ग़ार में पहुंचा आती थी, इस तरह 3 रातें ग़ार में गुजारी। यानी एक जगह ये लिखा जाता है कि सिर्फ दूध पे जो है वो गुजारा करते थे, लेकिन दूसरी जगह तारीख में ये भी बताया जाता है कि हज़रत अस्मा जो कि हज़रत अबू बकर सदीक़ की बेटी थी, वो उस वक्त उनकी उम्र 11 या 13 साल थी, और वो जो है वो घर में खाना बनाती और फिर वो खाना जो है वो जैसी ही शाम होती तो लोगों से छुप कर, कुरैश से, कुफार से छुप कर वो ग़ार में पहुँचा देती थी, और ये बहुत अहम काम था जो उनके ज़िम्मे था। और इस तरह 3 रातें जो हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रातें नबी पाक ने अपने दोस्त के साथ ग़ार में गुजारी। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय जनाब अमीर थे। मुसलमान जालिमों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा और छोड़ दिया। महबूस कैद रखना, क्योंकि हज़रत अली को वो कुछ नहीं कहते थे। हज़रत अली जो है एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, चचा अबू तालिब, जो कि खुद जो है उस ज़माने में एक बहुत बड़े सरदार थे। लिहाजा उनको थोड़ी देर उनको पकड़ा हरम में, उनको कैद किया और फिर उनको छोड़ दिया। फिर आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, ढूंढते ढूंढते ग़ार के दहाने तक आ गए। ग़ार के बिल्कुल किनारे पर जब पहुंच आए थे दुश्मन, आहट पाकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गमज़दा हुए और आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कुफार जो है वो बिल्कुल ग़ार के करीब पहुंच गए, तो हज़रत अबू बकर को फिक्र हुई कि ऐसा ना हो कि ये लोग जो है वो हमें देख ले। तो आप जब गमज़दा हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को तसल्ली दी किन अल्फाज में, ला तहज़ना इन्नल्लाह माना, यानी तुम घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये सूरह तौबा की जो है ये आयत उस वक्त नाजिल हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत जो है ये हज़रत अबू बकर को सुनाई कि तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ हैं और हमें वो जो है दुश्मन कभी भी नहीं देख पाएंगे। कुरैश ने इश्तिहार दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर को गिरफ्तार करके लाएगा, इसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। चले जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में इसको जारी रखेंगे और फिर हम जो है अपना चैप्टर मुकम्मल कर लेंगे और इसकी मशक करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।